हेलो एवरीवन वेलकम टू आर आइव ऑनलाइन क्लासेस दिस इज प्रवीण हेयर एंड टूडेज एम सिक्यू फॉर बायोलॉजी इज विच हॉर्मोन हेल्प्स इन री ऑफ वाटर ऑप्शन आर एंटीडरेटिक ऑप्शन बी वासोप्रेसिन इंसुलिन और बोथ ए एंड बी यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी बिकॉज एंटीडोरेटिक हॉर्मोन का ही दूसरा नाम वासोप्रेसिन है एंटीडोरेटिक हार्मोन को ए डी एच भी कहते हैं बिकॉज इसकी एब्रीबेशन uh, हो जाती है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है सेकेंड थिंग कि जो वॉसोप्रेसिन है ये हार्मोन बनता जो है एन में लिखा हुआ है कि uh, जो वॉसोप्रेसिन है दैट इज़ एक्चुअली ये वर्ड यूज़ हुआ है एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस ये सिंथेसाइज जो है हाइपोथैलेमस में होता है बट इसको स्क्रीट करता है पिट्यूटरी ठीक है हाइपोथैलेमस में क्या हुआ एंटीडोराटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन बना आफ्टर दिस ये मूव हो गया और स्टोर हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो पोस्टीरियर पिटरी वाला पोर्शन है वहाँ पे ये स्टोर रहता है और वहाँ से फिर जो है ये आगे रिलीज होता है ट्रांसपोर्ट होता है तो आपने ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि वॉसोप्रेसिन या एंटीडिक हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय ये लिखा हो कि बनता कहाँ पे है कौन बनाता है इसको सिंथेसाइज वर्ड यूज हो तो आपने हाइपोथैलेमस उसका आंसर करना है अगर वहाँ पे लिखा हो रिलीज ठीक है रिलीज बाय तो वहाँ पे आपका आंसर पिटूटरी ग्लैंड हो जाएगा ये चीज़ का ध्यान रखना है इंसुलिन की अगर मैं बात करूँ तो इंसुलिन हार्मोन जो है पेंक्रियाज से रिलेटेड है पेंक्रियाज का एक पार्ट है जिसे हम आइसलेट ऑफ लैंगर कहते हैं इस पार्ट से इस आइसलेट ऑफ लेंगर हेंस स्पेशल दो रीजन होते हैं जिनमें अल्फा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं स्टूडेंट अल्फा और बीटा सेल दोनों अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स क्रिएट करते हैं आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा सेल्स ग्लूकागोन हार्मोन ठीक है नाम है ग्लूकागोन हार्मोन इसे अल्फ़ा सेल क्रिएट करती हैं तो इंसुलिन जो हुआ आपका उसे आइसलेट ऑफ लेंगर की बीटा सेल्स क्रिएट करते हैं ठीक है और ध्यान रखना है अगर ब्लड में हमारी बॉडी के ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो इंक्रीज से कम होगा नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा ड्यू टू द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन अगर वो कम है लेवल उसको बढ़ाना है तो वहाँ पे ग्लूकागोन हार्मोन काम करता है हाई ब्लड शुगर को लो करना है तो इंसुलिन काम करेगा और अगर ब्लड शुगर लो हो गया तो वहाँ पे ग्लूकागोन जो है वो ट्रीट ट्रीटमेंट ग्लूकागन का दिया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ध्यान में रखेंगे वन बाय वन मैं कोशिश करूँगी सारे एन से बेस्ड क्वेश्चन आपकी मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं कंप्लीट करवा सकूँ ये सीरीज के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा जाएंगे मतलब कि इस सीरीज में जो आपकी मेन सीरीज़ है ये डेली एम सी क्यू इसमें हम सारे बायो के क्वेश्चन लेते हैं बट अभी जो हमारा टॉपिक करंट चला है इसमें वो एनिमल हॉर्मोन चला है मिलते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू में हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर स्टूडेंट्स